जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने हैं जिससे आपका प्रत्येक दिन अच्छा हो और बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छा हो। आपको कभी शिकायत ही ना हो कि आपका दिन ही खराब चल रहे हैं और आपके दिन में जितने भी अभाग्य हैं, दुर्भाग्य हैं, असफलताएं हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि जिस काम में भी मैं हाथ डालूं वो काम मेरा 100% पूरा हो, तो उसके लिए ही आज का ये उपाय है। आज मैं आपको 11 उपाय बताऊंगी ऐसे जिससे कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होना शुरू होगी। साथ साथ आपकी जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है वो आपकी किस्मत साथ देने लगेगी। 9 के 9 ग्रह आपके सुधर जाएंगे, 9 ग्रह आपको परेशान करना बंद कर देंगे और ईश्वर की कृपा आप पे बरसने लगेगी। वो कौन से प्रयोग हैं वही आज मैं आपको बताऊंगी और आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ विशेष भी पढ़ूंगी जो हमेशा के लिए आई हैं, 2-3 लोगों की विशेष मुझे पढ़नी होती है हर वीडियो में, वो भी पढ़ूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली एक नियम बना लीजिए कि आप जब भी सुबह सो के उठते हैं तो उसके बाद बिस्तर पे ही आपको डायरेक्ट शीशा नहीं देखना चाहिए। अगर आपके बिस्तर के सामने कोई शीशा लगा है तो उसको ढक दीजिए, उस पर कर्टन डाल दीजिए। शीशा देखने से सुबह सुबह आपकी बीमारी, रोग, शोक, शत्रु, कलेश और दुर्भाग्य बढ़ता है। तो उपाय नंबर 1 कि सुबह उठते ही कभी भी शीशा नहीं देखना है। उपाय नंबर 2, उठने ते ही सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को ही देखना चाहिए, क्योंकि हथेली में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि हम मेहनत हाथों से करते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो चौक से ही लिखेंगे, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो पेन से लिखेंगे, यदि आप भारी सामान कोई काम करते हैं तो बोझ उठाएंगे तो हाथ से उठाएंगे, अगर आप कंपनी में जाके मशीनें चलाते हैं तो भी हाथ से चलाएंगे, अगर आप किसी घर में खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं तो भी हाथ से ही करेंगे। इसलिए हाथ में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसे सबसे पहले उठते ही इस तरह से लक्ष्मी जी को देखकर ओम श्री लक्ष्मी नमः का 3 बार आपको मंत्र बोलना है। तो ये हो गया उपाय नंबर 2। तीसरे नंबर पे नहा धो के हमेशा थोड़ा सा जल भगवान सूर्य देव को चढ़ाइए, इसको आदत में डाल लीजिए। जब भी सो के उठे फटाफट एक लोटा पानी डाल लो फटाफट, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा तो जैसे ही आप नहा के निकले आप अपना पानी तैयार रखिए और उसको जल को चढ़ा दीजिए सूर्य देवता को। ओम नमः, ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः 3 बार बोलकर, ज्यादा पंगे में नहीं पड़िए, बस 3 बार ओम ओम आदित्य नमः या ओम सूर्याय देवाय नमः या ओम घड़ी देवाय नमः, कुछ भी बोल सकते हैं, ओम घड़ी सूर्याय नमः कुछ भी बोल सकते हैं, बस 3 बार बोल लीजिए बहुत है। और 3 बार ही गायत्री मंत्र बोल लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितर्वे नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 3 बार बोल लीजिए। तो ये क्या करेगा, गायत्री मंत्र का पाठ करने से, जाप करने से आपके पास जादू टोना टोटका कोई नहीं कर सकता है। अगर आप 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं सुबह सूरज को जल देकर, 24 बार जो गायत्री का जाप करते हैं और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जब आप जाप करेंगे, और आपके हाथ इस तरह से सीधे होने चाहिए, जब आपके हाथ इस तरह से सीधे होंगे और आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 24 टाइम, तो आप देखेंगे कि आपसे रोग दूर होने लगे, आपके शत्रु दूर होने लगे, आपके कलेश दूर होने लगे, और गायत्री मंत्र आपको ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको उपाय बताए। तो आपको जैसे मैंने बताया कि सुबह उठ के आपको शीशे में मुंह नहीं देखना है, दूसरा आपको हाथों को दर्शन करने हैं, तीसरा नहा के सूर्य को जल चढ़ाइए, चौथा गायत्री मंत्र का प्रयोग कीजिए, पांचवें नंबर पे घर में तुलसा जी जरूर लगानी है और तुलसा जी से को आपको सुबह जल जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे थोड़ा चढ़ाइए पर चढ़ा दीजिए। और अगर आप धूप दीप अगरबत्ती नहीं लगा सकते इतना टाइम नहीं, तो जहां सूर्य को जल चढ़ाया था वहीं पर थोड़ा जल तुलसा जी को चढ़ा दीजिए, पांचवा उपाय। छठा उपाय, मन की सारी बातें तुलसा जी को बतानी है। यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो आप तुलसा जी को बोलिएगा कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, आज मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, या आज हम लड़की देखने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटे का रिश्ता वहां तय हो जाए। आप इसको एक प्रैक्टिस में डाल लीजिए। जब आप तुलसा जी से बात करना शुरू कर देंगे और तुलसा जी को हर बात बताने लगेंगे, और जहां जहां जा रहे हैं और आप तुलसा जी को बताएंगे कि देखो मैं वहां गया था, मेरा काम हुआ होगा, कैसे होगा, तो जब आप घर से बाहर निकलने से पहले तुलसा जी को बोल के भी जाना है कि तुलसी माँ मैं जा रहा हूँ आप फला काम के लिए और मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरा काम हो जाए, लौट के भी आपको बताना है कि तुलसी जी मैं गया था पर मेरा काम हुआ नहीं। अब ये नहीं कि आप ऐसे बात करोगे कि दुनिया देखेगी और आपको पागल समझे, नहीं, आपको मानसिक रूप से बात करना है कि तुलसी माँ मैं गई थी, जैसे आप भगवान से बातें करते हैं,
इस तरीके से आपको तुलसा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करना है, तुलसा जी से बातें भी करनी है। उपाय 6 हो गया, जब आप किसी खास काम पे जा रहे हो और आपको डाउट हो कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, शायद किसने गड़बड़ कर दी, तो ऐसे में एक नींबू लेना है। उस नींबू को अपने सर से लेके पैर तक सात बार उल्टा उतार के उसके 4 खड़े टुकड़े करके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में चौराहे पर डालते हुए निकल जाइए। इससे क्या होगा, आपका काम जरूर बनेगा और आपके साथ कोई हाय बदबू नहीं होगी, मतलब रुकावट नहीं होगी काम में। ठीक है, 7 उपाय हो गए आपके। 8वें नंबर पे आपको क्या करना है, गलती हो गई होगी आगे पीछे तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी। 8वें नंबर पे क्या करना है, नियमित रूप से आपको एक चुटकी नमक लेना है और उसको 3 बार अपने सर से एंटी क्लॉक लेके और टॉयलेट में फ्लश कर देना है। इसको सुबह और शाम का नियम बना लीजिए। इससे क्या होगा, डेली के डेली जो अभी आपके ऊपर हाई हाई हो जाती है, डेली के डेली हम खुद को भी नजर लगा देते हैं कि आज मैं अच्छी लग रहा हूँ, आज मेरा ये काम हो गया, आज मेरा पेट ठीक है, या आज जो है फला व्यक्ति ने मुझसे फोन पे 4 मिनट बात कर ली, या आज उसका फोन आ गया, तो हम खुद को भी नजर लगाते रहते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि डेली नमक उससे नजर उतारो, सुबह और शाम निश्चित रूप से उतारो, सुबह उठते उतारो बिस्तर से, या थोड़ी देर बाद नहा धो के उतार लो, और शाम को जब आप घर पे आ जाते हो और सोने से पहले नजर उतार लो। ओके, 8। 9वें नंबर पे क्या करना है आपको, आपको जब भी आप मंदिर जाने की एक आदत डालो, शनिवार और मंगलवार को मंदिर जरूर जाया करो और वहां पे हनुमान जी के दर्शन करने हैं और हनुमान जी को कुछ भी मिठाई चोला वगैरह लगा सकते हैं, जलेबी या कुछ भी लगा दीजिए, मीठा भोगन लगा दीजिए और चोला लगा दीजिए। अगर आप इतने समर्थवान नहीं है तो एक चीज तो कर सकते हैं, लाल फूल चढ़ाइए। ठीक है, लाल फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा आप पे रहेगी। शुक्र और अगर आप शनिवार और मंगल जाएंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, शनि की कुपित दृष्टि आप पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गए उपाय आपके 9। 10वें उपाय के रूप में आपको क्या करना है, मंदिर में ही बड़े बुजुर्ग जो भी पंडित हैं उनके पैर छू के उनको कुछ भी दक्षिणा दे दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार को या फिर आप जो मंगल और शनि को मंदिर गए हैं उसी दिन आपको क्या करना है, पंडित के पैर छूने हैं और उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी है। अब हम बात करेंगे उपाय नंबर 10 की, लेकिन उससे पहले मुझे तो कुछ मैसेज भी पढ़ने हैं, तो मैं पहले मैसेज पढ़ लेती हूँ। पहला मैसेज आया है, ये है, विरल पाल कौर की मैरिज रिक्की सिंह से धारीवाल से हो जाए ऐसा वो चाहती हैं, और ज्योति कुमारी चाहती हैं कि इस जून में, जून तो निकल गई आपने लास्ट में मैसेज भेजा है, उनका 11 लाख का पैकेज लग जाए जल्दी से, रोजी और निशांत दोनों बहुत खुश रहें और निशांत अपनी पति रोजी को बहुत प्यार करे। तो भगवान श्री गणपतिनाथ से प्रार्थना है कि विरल की, ज्योति कुमारी की और रोजी, इन तीनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपतिनाथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री गणपति महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हे श्री गणपति महाराज, इसी तरह से सभी पे कृपा बनाए रखो, सभी आप ही के तो भक्त हैं। और अब मैं बात कर रही हूँ उपाय नंबर 10 की। तो जो लोग रोज सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूते हैं, अगर आपके माता पिता आपके पास नहीं है तो माता पिता की फोटो को प्रणाम करके छूते हैं उनके पैर, अगर आपके माता पिता दुनिया में ही नहीं है तो भी आप अगर अपने माता पिता को हाथ जोड़ते हैं डेली सुबह, तो आपका सौभाग्य स्टार्ट हो जाता है। माता पिताओं के बहुत ज़्यादा दुआएं लगती हैं इसलिए, और जो लोग माता पिता के पैर छूते रहते हैं या माता पिता से रोज आशीर्वाद लेते हैं और माता पिता से बातचीत करते रहते हैं, उन पर बड़ी ही जल्दी कृपा होती है कि पिता सूर्य और माता चंद्रमा होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके उपाय नंबर 10। अब मैं बात करूंगी, अब नंबर आता है उपाय नंबर 11 का। तो उपाय नंबर 11 में आपको क्या करना है, अपने घर में हरे पौधे लगाना शुरू कर दो। आप जितने ज्यादा आपके घर में हरे पौधे होंगे उतनी ज्यादा ग्रीनरी होगी, ग्रीनरी होगी तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फील होगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू होगी, क्योंकि हरे पौधे आपके घर की नेगेटिविटी को काट देते हैं। और बार बार आए आपके घर की एंट्रेंस जो भी है, जहां से आप लोग एंट्री करते हैं, वहां पे एक चांदी का स्वस्तिक जरूर लगाइए। चांदी का स्वस्तिक जब आप एंट्री पे ही लगाएंगे तो घर के अंदर ही नकारात्मक शक्ति नहीं घुसेगी, तो जब घर के अंदर ही नकारात्मक शक्ति नहीं घुसेगी तो फिर आपको कौन कैसे परेशान कर सकता है। इस तरह से मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। आप 13वें उपाय के रूप में डेली अपनी जेब में 5 जो है काली मिर्च रख सकते हैं, और 5 काली मिर्च रखकर जब आप चौराहे पे जाते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक ऊपर की तरफ उछाल देंगे, तो इससे आप एक काम भी बनेंगे और साथ में आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। एक नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके टाइम के 3 ऐसे टाइम, ये मेरा उपाय तो नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ,
और ये किसी का भी उपाय नहीं है, इसकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक ने की थी और ये कई हजार साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है, कई सौ साल पहले एक वैज्ञानिक ने एक खोज की है और उसने बताया है कि इस तरीके से इस टाइम पे अगर आप अपनी मन्नत को इस तरीके से बोलेंगे तो आपका काम जरूर 21 दिन में हो जाएगा। तो वो आपको जानना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और या फिर टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। मैं कभी भी कोई उपाय जब किसी का लेती हूँ तो मैं जरूर बता देती हूँ कि ये उपाय मेरा नहीं है, तो वो उपाय भी मेरा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं रूल्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हूँ, यूनिवर्स के लॉ पे काम करती हूँ। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, जो मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है, और जो चीज़ मेरी नहीं है उसको मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ वो मेरे पास से भाग जाएगी, और जो चीज़ मेरी है वो चीज़ घूम के संसार भर में आए लेकिन घूम के मेरे पास ही आएगी। तो ये है रूल ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए आप? तो जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर अपना कभी भी अधिकार मत दिखाओ, और जो चीज़ सिर्फ आपकी है वो तो आपसे कभी छूट नहीं सकती, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वो तो कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है? सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या पूरा भी चेंज कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और विश्वास करिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, खुशहाल रहिए। परेशानी सभी की ज़िंदगी में आती है, जितना मुस्कुराएंगे जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आप अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।